गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल छठ पूजा है और छठ पूजा की तैयारी बड़ी ही जोर शोर से मुमरा के शंकर मंदिर पर चल रही है। आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि आशिया वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से यहाँ पर एक जो है पंडाल बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक कार्यक्रम होने वाला है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। भोजपुरी के कलाकार यहाँ पर आने वाले, देखेंगे आप, वहाँ पर जो है मंच बनाया जा रहा है और तालाब का भी जो सुंदरीकरण है, साफ सफाई है, उसकी भी जोरों शोरों से काम चल रहा है। और यहाँ पर सिकंदर मौजूद, हम सिकंदर से बात करेंगे। सिकंदर भाई, कल छठ पूजा है और तैयारी जो है बहुत ज़ोर शोर से आप लोगों की चालू है, क्या बताएंगे? तैयारी चालू यहाँ पे, जैसे कि ये मंडप बनाया गया है, यहाँ पे सब अपना जो नाश्ते पानी का इंतजाम किया गया है, चाय पानी और पानी वगैरह का जो ये सब मंडप उसके लिए बनाया गया है। ये सामने स्टेज बना है, उसके बाद भंडारे का भी इंतजाम है। यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सभी के लिए खाने का इंतजाम किया गया है और उसके अलावा फिर वो वहाँ पे ड्रेसिंग रूम जो चेंज करने के लिए कपड़ा, जैसे कुछ लोगों को चेंजिंग वगैरह का इंतजाम करना रहता है तो उसके लिए वहाँ पे इंतजाम किया गया है। पानी के लिए, जैसे यहाँ पानी में उतरने में तकलीफ होती है तो उसके लिए आर्टिफिशियल तालाब रखा गया है। यहाँ पे बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पे एक 3 झूले का इंतजाम किया गया है, जिसमें बच्चे अपना मतलब फैमिली से अपना आराम से वहाँ पे। अच्छा, मेला लगवाया है? नहीं नहीं, मेला नहीं, मतलब बच्चों के खेलने के लिए, मतलब बच्चे वहाँ पे व्यस्त रहें और माँ बाप अपने पूजा में रहें, इसके लिए वो एक इंतजाम किया गया वहाँ पे। और तालाब को लेकर क्या सुरक्षा के हिसाब से क्या बंदोबस्त आप लोगों की तरफ से? तालाब में सुरक्षा तो ये पानी, जैसे साइड से लोग अपना पूजा करते हैं, जहाँ कम पानी रहता है वो लोग का डेली हर साल का है ना, तो उसमें इतना कुछ सुरक्षा के लिए और अपना ये फायर ब्रिगेड वगैरह को लेटर दिया हमने, वो लोग अपना पूरा सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। यहाँ पर भोजपुरी के कलाकार भी आने वाले हैं, सिंगर हैं, एक्ट्रेस हैं, दरअसल कौन कौन आने वाले हैं उनके बारे में रीदा रशीद से बात करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है वो ऑर्गेनाइज जो है रीदा रशीद के तरफ से किया जा रहा है। रीदा मैडम, क्या बताएंगे आप कि कल जो यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है उसमें कौन कौन से कलाकार आने वाले हैं भोजपुरी के? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। खुशबू उत्तम जो हमारे उत्तर भारतीय और बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती है और वहाँ की स्टार है और बड़े गाने यूट्यूब पे भी डालेंगे तो देखिएगा, बहुत अच्छे छठ पूजा के गाने हैं, बाकी के भी सिंग उसने मूवियों का गाना गाया है, उस टाइम पर वो स्टार यहाँ आ रही है और उसके साथ और भी काफ़ी अनेक कलाकार है, साथ में जो लास्ट टाइम जैसी पूरी टीम थी और हमारे बम बम भोले जो लास्ट टाइम भी थे हमारे कलाकार, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से मतलब कला दिखा के महिलाओं के लिए प्रोग्राम किया था, तो बस पूरी वो टीम है और हमने सिंगर इस बार बदलाया है। यही सब देखने के लिए मैं प्रोग्राम करती हूँ। आप देखिए ये बहने, आज का दूसरा दिन है, आज का दूसरा दिन है, ये इन लोग का वो कुछ बन गया है, वो क्या बोलते हैं उसको याद नहीं आ रहा है, वो बन गया है। अभी वो लोग दिया लगाने आई है, रोज़ शाम को आती है, दिया लगा के जाती है और इस बार ये पूरी मेरी टीम है, इस बार टीम पूरी लाल कलर की साड़ियाँ पहनेगी हम सभी और वो सभी पूरी 25 महिलाएं टीम बन के काम करेगी और किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई परेशानी हो या किसी को पानी की ज़रूरत हो या किसी और भी कुछ मसला हो, इसके लिए पूरी टीम मेरी तैयार है इस बार काम करने के लिए। काम करने के मतलब सेवा देने के लिए, बस माँ छठी मैया हमसे अच्छा, जो सेवा करवा ले। ये तो भोजपुरी के कलाकारों की हो गया बात कि जैसे आपने बताया खुशबू उत्तम आने वाली है, इनके अलावा राजनीतिक तौर पर कौन आने वाले हैं? आप बता रहे थे कि सीएम या फिर खासदार
उनमें कोई भी आएंगे? हाँ, सीएम साहब ने कहा है मुझे कि मैं थाना में ही हूँ, जैसा प्रोग्राम होगा मैं बिल्कुल आऊँगा रिधा, या फिर नहीं तो रिधा है, रिधा की टीम है, और उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं ही भी दी है, लेकिन उन्होंने बोला है मैं पूरी कोशिश करूँगा, जैसे खासदार साहब ने भी कहा है, बाकी की भी बहुत लोग आने वाले हैं, तो जैसे पता है बहुत कल ट्रैफिक का टाइम होगा, जाम का टाइम होगा, जैसे भी जो पहुँच पाएंगे वो ज़रूर आएंगे सब लोग। जो यहाँ पर कार्यक्रम होगा भोजपुरी का, वो कितने बजे से कितने बजे तक का है? जैसे मंदिर की आरती ख़त्म होगी उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और वही 10 बजे तक का जो पुलिस लोग का टाइम है तब तक के प्रोग्राम चलेगा, और हो सकता है पुलिस हमें थोड़ा सा और वक्त दे या प्रशासन हमें और थोड़ा वक्त दे, वो देखेंगे उस टाइम पे, जिस तरीके से मेरी बहनों को आनंद लगेगा, मेरी बहनों का रिक्वेस्ट होगा, लेकिन बस वही 7 से 10 का टाइम होगा। तो आपने सुना कि कुछ महिलाएं इधर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगी। छठ पूजा का मौका है, आप लोग यहां पर बड़ी संख्या में आए, क्या बताना जी चाहेंगे? जी सर, जी सर, छठ पूजा का मौका है, हम लोग आए हैं क्योंकि कल पे यहां पे बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आपको भी पता है। हमारी रीदा मैडम जब से आई तब से मुमरा की औरतों को तो बोलते जान मिल गया है, क्योंकि जो गरीब औरतें बेसहारा थी उनका कोई नहीं सुनता था, सिर्फ मैडम एक ऐसी हैं कि अपनी औरतों का सहारा बनी, अपनी औरतों का बहुत साथ दी, गरीब औरतों का तो बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग रीदा मैडम के साथ में हैं। रीदा मैडम जैसी हमारी कोई भी नेता आज तक नहीं आए, और इन्हीं यही आना चाहिए, बोलिए रीदा मैडम जिंदाबाद, रीदा मैडम जिंदाबाद। आपने सुना कि यहाँ पर कल जो है कार्यक्रम है, छठ पूजा है कल, और कल यहाँ पर भोजपुरी का कार्यक्रम भी होने वाला है, ये स्टेज बनाया जा रहा है, भोजपुरी के एक मशहूर सिंगर खुशबू उत्तम वो यहाँ पर आने वाली हैं, कल शाम से ही यहाँ पर जो है भोजपुरी का कार्यक्रम शुरू होगा।